नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल दधिमती संस्कृत एजुकेशन में। दोस्तों, इस समय रीट की परीक्षा जो है अब आयोजित होने वाली है और इससे संबंधित जो है विभिन्न प्रकार के मॉडल प्रश्न पत्रों पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज SST से संबंधित ये महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का मॉडल है जो अब हम हल करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार पधारें, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिए ताकि शिक्षा और रोजगार से संबंधित वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। तो शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो और अपने मित्रों के साथ ज़रूर से इसे शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न, वनों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? वनों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया, 1950 में, 65 में, 1970 में या 1980 में? तो किस वर्ष किया गया? 1970 में। दूसरा प्रश्न, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर स्थित है या किस एक नदी पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? चिनाब नदी पर। तीसरा प्रश्न, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं? भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी सीमा से लगे हुए हैं? तो कितने राज्य हैं? 17 राज्य। कितने राज्य हैं? 17 राज्य। बात कर लेते हैं अगले चौथे प्रश्न की, मैकमोहन रेखा भारत व चीन सीमा को कहा जाता है, ये रेखा कब निर्धारित की गई? दोस्तों बहुत ही मोस्ट है कि ये जो मैकमोहन जो रेखा है वो कब निर्धारित की गई थी? तो कब निर्धारित की गई थी? 1914 शिमला में। पांचवा प्रश्न, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर जो परियोजना है वो किस नदी पर है? चंबल, बेतवा, नर्मदा या कावेरी? तो किस पे है सरदार सरोवर परियोजना? नर्मदा नदी पर। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए आप ये भी कमेंट ज़रूर कीजिए। छठा प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती, यानी उस नदी का नाम बताना है जो यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? बेतवा, सोन, चंबल और केन। तो कौन सी है? सोन नदी जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। सातवां प्रश्न, देश का कुल मैग्नीज उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा मध्य प्रदेश राज्य से उत्पादित होता है? तो मैग्नीज का कितना प्रतिशत जो है वो मध्य प्रदेश उत्पादित करता है? तो भारत का लगभग 16 प्रतिशत। बात कर लेते हैं आठवें प्रश्न की, तमिलनाडु में उत्पादित कुल ऊर्जा का कितना जल शक्ति का भाग है, यानी कि तमिलनाडु में जो उत्पादित ऊर्जा है वह उसका जल शक्ति का कितना भाग है, यानी कि जल से कितनी प्रतिशत जो है बिजली उत्पन्न होती है? 1/2, 3/4 या 4/5 या 1/3? तो कितनी होती है? 4/5 भाग। नौवां प्रश्न, युवा भारती साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पर है? युवा भारती साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पर है? मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता? तो कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है। दोस्तों, दसवां प्रश्न, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मध्य प्रदेश में किस स्थान से यूरेनियम होने के अवशेष मिले हैं? तो MP में जो है यूरेनियम होने के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं, शहडोल, पन्ना, सतना या रीवा। तो कहाँ से मिले हैं? पन्ना, शहडोल से। जी हाँ, मध्य प्रदेश जो है
यूरेनियम के जो है शहडोल से हमें क्या मिलते हैं, इसके अवशेष मिलते हैं। तो दोस्तों इस शहडोल शब्द आपको ध्यान में रखना है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है, वहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, कार्डाडम की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ या सेवराय की पहाड़ियाँ। तो जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलती हैं वहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। बारवां प्रश्न, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों 13वां प्रश्न, यहाँ पर आप देख सकते हैं नर्मदा नदी पर इनमें से कौन सा बांध नहीं बना हुआ है, तो नर्मदा नदी पर इनमें से कौन सा बांध नहीं बना हुआ, बरगी, गांधी सागर, ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर। तो कौन सा नहीं बना हुआ है, गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर बना हुआ है। 14वां सवाल, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महादेव, सिगार, धूपगढ़ या सिद्ध बाबा। तो कौन सी है, सिद्ध बाबा जो है बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है। बात कर लेते हैं 15वें प्रश्न की, भारत में सबसे कम सीमा रेखा किस देश से लगती है। तो इससे पहले एक वीडियो पे हमने जो है शॉर्ट ट्रिक पे इस पर बात की थी बचपन में MBA, तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि सबसे कम सीमा जो है वो किस देश के साथ लगती है, अफगानिस्तान, और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं, मंगल, बृहस्पति, शनि, शुक्र। तो किसके हैं, बृहस्पति के जो हैं सर्वाधिक उपग्रह प्राकृतिक उपग्रह हैं। बात कर लेते हैं 17वें प्रश्न की, संसार के सर्वाधिक मत्स्यन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर गर्म और शीत धाराएँ मिलती है, नदियाँ जो है सागरों में प्रचुर मात्रा में ताज़ा जल प्रवाहित करती है, कोष्ण और शीत वायुमंडलीय धाराएँ मिलती है या महाद्वीपीय सेल्फ तरंगित हैं। तो कहाँ पर मत्स्य क्षेत्र पाया जाता है, जहाँ पर गर्म और शीत जो सागरीय धाराएं हैं मिलती है वहाँ पर। बात कर लेते हैं 18वां प्रश्न, विश्व में फलों सब्जियों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। बात कर लेते हैं 19वें प्रश्न की, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट यानी वनों की दशा रिपोर्ट 2014 के अनुसार किस राज्य में वनों का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो 2014 के अनुसार किस राज्य में वनों का प्रतिशत सबसे अधिक है, ओडिशा, झारखंड, मेघालय या मिजोरम। तो कहां पर है, मिजोरम में जो है 2014 के अनुसार वनों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। और दोस्तों आज का अंतिम और 20वां प्रश्न, साइलोमेलिन और ब्रोनाइट किस खनिज की मुख्य अयस्क है, साइलोमेलिन और ब्रोनाइट जो है वो किस खनिज का मुख्य अयस्क है, मैग्नीज, लोहा, चांदी और यूरेनियम। तो किसका है, मैग्नीज का, साइलोमेलिन और ब्रोनाइट ये मुख्य अयस्क हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद।